साल पूरा आज हो रहा है और इस एक साल के पूरे होने के मौके पर रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पर इस कार्यक्रम में सरकार एक साल पूरा होने का जश्न मनाएगी और जाहिर तौर पर वो आप तस्वीरें वहाँ से देख सकते हैं, इसकी तैयारी अंतिम चरण में है। जी मीडिया संवाददाता मदन सिंह ने मोरहाबादी मैदान का जायजा लिया। इस मौके पर राज्य सरकार अपने एक साल के कार्यकाल के किए गए काम का ब्यौरा देगी। कई योजनाओं का उद्घाटन होगा, शिलान्यास होगा। कार्यक्रम को लेकर मोरहाबादी मैदान में भव्य पंडाल बनाया गया है। कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करते हुए यहाँ तकरीबन 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। राज्य सरकार के एक वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे में राजधानी रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोरहाबादी मैदान में और आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि यहाँ भव्य पंडाल भी बनाए जा रहे हैं। कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करते हुए लोगों की बैठने की व्यवस्था की जा रही है। तकरीबन 3000 के करीब लोग इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के द्वारा एक वर्षों के किए गए कामकाज को की विस्तृत जानकारी लोगों को दी जाएगी, साथ ही कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल से लेकर राजधानी रांची के तमाम हिस्सों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, साथ ही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि भव्य और आकर्षक यह पंडाल बनकर तैयार हो रहा है और जो यह अंतिम रूप दिया जा रहा है। और यहाँ पर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं और विधायक हैं, साथ ही जो आला अधिकारी हैं, वो इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ मदन सिंह, जी मीडिया, रांची। और हेमंत, सरकार का एक साल पूरा हो रहा है, इसके लिए कल एक कार्यक्रम मोरहाबादी मैदान में आयोजित किया गया है। ये भव्य कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होगा और जाहिर तौर पर इस कार्यक्रम की वजह से ट्रैफिक जो रूट है, जो वहाँ पर यातायात व्यवस्था है, उसमें भी कुछ बदलाव किया गया है। उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि मोरहाबादी मैदान के आसपास शहर में कल सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। राज्य के अन्य ज़िलों से आने वाले छोटे वाहनों के लिए भी रूट में कुछ बदलाव कर दिया गया है ताकि वहाँ पर किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो। मोरहाबादी मैदान के आसपास भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी और इसीलिए ये तमाम बदलाव जो हैं ट्रैफिक रूट में बदलाव किए गए हैं। झारखंड सरकार के एक साल पुराने पर 29 दिसंबर को मुख्य समारोह राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में होगा। इसको लेकर कुछ ट्रैफिक नियमों में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक बाहरी वाहनों का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं छोटे वाहनों को जो अन्य जिले से आ रहे हैं उनके लिए राजधानी रांची में प्रवेश बूटी मोड़ से बारियातू होते हुए अन्य रास्तों के प्रवेश वर्जित है। बूटी मोड़ से बारियातू मार्ग में छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक की ओर परिचालन कर सकेंगे। बोरिया रोड से आने वाले छोटे वाहन करमटोली चौक से जेल चौक की ओर आ सकेंगे और बारियातू रोड होते हुए बूटी मोड़ जा सकेंगे। तो इस तरह से 29 तारीख को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था की गई है ताकि किन्हीं लोगों को दिक्कत ना हो सके। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ मनीष सिन्हा, जी मीडिया, रांची। तो मोरहाबादी मैदान में बड़े कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है, हजारों लोग यहां पर इकट्ठा होंगे और यही वजह है कि शहर में यातायात व्यवस्था में बदलाव कर दिया गया है। बड़े वाहनों का प्रवेश शहर में